The first word is socio, which means association, and second word is logos, which means scientific study. So when you do the study of society in a scientific way, so it is called sociology. There are also some other sociologists, sociology definition, Kingsley Gibbs, and parkses एंड दे हैव गिवेन डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी एंड अगर हम इन सब को सम करें तो सोशोलॉजी बेसिकली सोसाइटी में रहने वाले लोगों के बारे में स्टडी करना है मीन्स के आप जब सोसाइटी की स्टडी करे हों ऑन अ माइक्रो लेवल से लेकर किसी भी ब्रॉडर लेवल तक तो जो है वो सोशोलॉजी होती है सोशोलॉजी का बिजनेस के साथ क्या रिलेशन है मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप ये पढ़ रहे होते हैं बिजनेस का तो आपको सोशोलॉजी पढ़ाया जाता है और आप business relation so today I'm gonna to tell you that there is a strong relationship between both of them uh, firstly let's make a scenario for you that there is a boy who is very talented and he has started a new business and um, after a few days of her work of his work uh, one of the customers has complained about anything for example an outfit or about anything without understanding the situation, सलमान ने उस बंदे के साथ लड़ना शुरू कर दिया और दोनों की लड़ाई इतनी ज्यादा हो गई कि पुलिस आ गई एंड दे हैव अरेस्टेड बोथ ऑफ देम और उसकी दुकान भी सील हो गई क्वेश्चन कम्स व्हाई व्हाई इट एंड दैट अब हम यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव्स देखेंगे एक सलमान का जो पर्सपेक्टिव था बिजनेस चलाने का और एक जिसने सोशियोलॉजी पढ़ी हुई है उसके बाद जो बिजनेस कर रहे है उसका क्या है बिकॉज जब आपने सोशियोलॉजी पढ़ी हुई है तो आप जानते हैं कि सोसाइटी में हर तरह के लोग हैं इवन एक घर के अंदर भी डिफरेंट परस्पेक्टिव रखने वाले लोग हैं और दूसरे की बात समझ कर, अपना ओपिनियन रखना इट्स अ वेरी गुड साइन when you are running a business so there are two perspectives that are in front of you and uh, these are very easy to get up without uh, sociology per day a business start to get sociology तो क्या होगा अगर आप सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी हुई तो सलमान के माइंड के अकॉर्डिंग आप सिर्फ अपनी एफर्ट्स को ही देख रहे हैं कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है और मेरी कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए थी और मैंने कितनी एफर्ट डाली है लेकिन अगर आप सोशियोलॉजी पढ़े हैं तो आप डेफिनेटली कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू को भी एक्नोलेज करेंगे और उस चीज को समझेंगे अंडरस्टैंड करेंगे एक और सिचुएशन आपके सामने है एंड आई थिंक इट इज Much easier than uh, the previous one. Consider yourself uh, as, uh, uh, as uh, ke aap, for example, in a bank, or behavior in a bank, employees ka, uh, it was not good enough, and they did not guide you in an appropriate way. So, what will you do? Maybe you will not go to the bank, or maybe you will shift your bank, your amount to another bank. एंड थर्डली इफ समन विल आस्क यू अबाउट द ओपिनियन की उसे उस बैंक में जाना चाहिए या नहीं सो यू विल डेफिनेटली से नो बिकॉज योर एक्सपीरियंस वॉज नॉट गुट बेदर सो यहाँ पर अब आप समझें इस बात को कि एक बैंक के अच्छे एम्प्लॉयज ना होने की वजह से और उनका सोसाइटी के एक मेम्बर के साथ अच्छे से डीलिंग ना होने की वजह से क्या होता है कि जो पर्सन है उसका भी आपके बैंक से अकाउंट खत्म हो चुका है और अगर उससे कोई रेफरेंस मांग रहा है तो उसका अकाउंट भी नहीं बन रहा तो एक इंस्टीट्यूशन के गलत रवैये की वजह से सोसाइटी में उसका जो बिजनेस है वो वर्क नहीं कर रहा तो यहाँ पर दो चीज़ें हमने क्या देखी एक बिजनेस और दूसरा सोसाइटी क्योंकि बिजनेस सोसाइटी के बगैर रन नहीं कर सकता तो अगर आपने बिजनेस करना है सो यू हैव टू लर्न about the society nature. And how will you uh, learn about the society nature when you will understand sociology. Then comes the importance of sociology. There are two main important things. First, you shouldn't show behavior. And secondly, that institutions and societies work together. They are not cross-linked. They both work together. Now the most important and famous theory of uh, sociology and one of the most interesting uh, theory according to my uh, point of view is Karl Marx's theory. Those who know it, listen to it And those who don't know it, read it and because it is very very much easier and understandable. Uh, Karl Marx's theory, he made two terms. One is haves and second is haves not. Haves is about capital and haves not is the labour.

स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद अगर आप इसको रिलेट करें तो जब आप कोई बिजनेस शुरू करेंगे एंड यू हैव स्टडीड कार्ल मार्क्स थ्योरी, सो यू विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजेक्ट दैट थ्योरी बाय गिविंग योर वर्कर्स स्पेस इन इक्वल वेजेस एज ही हैज डिस्क थ्योरी एंड यू वॉन्ट टू कीप अ गुड एनवाइ इन योर बिजनेस यू विल डेफिनेटली टेक इट अस कॉल और आप जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे सेकेंड थ्यूरी इज ए माई डाइम्स थ्यूरी एंड ही हैज डिस्कट सोसाइटीज आर हेल्डर शेड बिलीफ एंड वैल्यूज ऑफ द मेम्बर उन्होंने कहा कि जितनी भी सोसाइटीज हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं तो ही जो है डिफरेंट बिलीफ और वैल्यूज इकटे होती हैं और सोसाइटीज अच्छे से रन करती हैं अब इसका बिजनेस के साथ क्या रिलेशन है इसका भी बिजनेस के साथ बहुत ही गहरा रिलेशन है फॉर एग्जाम्पल जब दो लोग डिफरेंट कल्चर से डिफरेंट वैल्यूज और डिफरेंट लैंग्वेज के साथ काम करते हैं तो उनका बिजनेस भी इवॉल्व होता है फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ इन अ वेरी रिसेंट लाइट इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पाकिस्तान एंड टर्की हैज मेड अ वेरी ग्रेट कोलेबोरेशन ऑन द एंटरटेनमेंट लेवल एंड दे बोथ आर वर्किंग टूगेदर नाउ वेन टू डिफरेंट कल्चर्स आर मर्जिंग विद वन another. एक दूसरे के साथ जब मर्ज हो रहे हैं उससे कितने लोगों का काम बढ़ रहा है मिल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो रही है एंड सो मैनी थिंग्स इसी तरह जब बहुत सारी चीज़ों में जब आप देखें कि जब क्रॉस कल्चर काम होता है या बिजनेस होता है उसका जो एम्प्लॉयमेंट uh, का जो लेवल है उस वो इंक्रीज भी होता है और आप फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा uh, जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं

ही जो है उनका काम अच्छे से चल रहा है इंटरकनेक्टेडनेस वेरियस पार्ट ऑफ फंक्शन अब हम अगर इसको रिलेट करें बिजनेस के साथ तो हमारे सामने एक एग्जाम्पल आती है कि फंक्शनलिस्ट अप्रोच लिंक करता है बिजनेस के साथ वो अब फॉर एग्जाम्पल अब आप खुद कंसिडर करें कि एक गुड स्टेट कैसे बनती है जब अच्छे रूल्स होंगे जब अच्छे रूल्स बनाए जाएंगे गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी तो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी इंक्रीज होंगी क्योंकि उनकी पेज इंक्रीज हो जाएंगी और फिर फैमिलीज की परचेजिंग पावर भी इंक्रीज हो, हो जाएंगी और सोसाइटी विल बी हैप्पी सो दैट्स हाउ ईच एंड एवरी थिंग इज कनेक्टेड विद वन एंड अदर की सोसाइटी so की हैप्पीनेस का किसके साथ कनेक्शन है अच्छी स्टेट के साथ और ये दोनों चीजें किसके ऊपर डिपेंडेंट है दे, दे, ये दोनों चीजें इम्प्लॉयमेंट वेजेस परचेजिंग पावर गुड इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर जो है वो रिलाई करती हैं अब अगर हम इसको रिलेट करें हमारे बिजनेस के कैपेसिटीज के, के साथ कि इसका क्या कनेक्शन है अब अगर कोई इंसान बिजनेस शुरू करना चाहता है किसी भी ए, किसी भी जगह पर तो अब वो अकेला बिजनेस नहीं करेगा उसने सोसाइटी तक पहुंचने के लिए अपने बिजनेस को सोसाइटी तक लेकर जाने के लिए दरम्यान में जो लिंक्स आएंगे सारे वो क्या है इंटरकनेक्टेड पार्ट्स हैं उसके बिजनेस के जो सोसाइटी से उसको जोड़ रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया है तो आपका एक ही दिन में बिजनेस इवॉल्व नहीं करेगा उसके लिए आपको एडवर्टाइजिंग एजेंसी पे जाना पड़ेगा और अपने काम की प्रमोशन दिलानी पड़ेगी मे बी आप पम्फ्लिक्स के थ्रू करवाएं मे बी आप जो है कोई एड चलवा दें ये आपके ऊपर है लेकिन आप उसकी प्रमोशन करेंगे तो आप कहाँ गए एडवर्टाइजिंग एजेंसी के ऊपर एडवर्टाइजिंग एजेंसी आगे मजीद जो है जिस बंदे के पास जाएगी तो ये इस तरह एक से दूसरा दूसरे से तीसरा लिंक क्रिएट होता जाएगा और इस तरह आपका बिजनेस सोसाइटी तक पहुंचेगा और ये फंक्शनल इस परस्पेक्टिव आपको बताता है कि आप इनके कनेक्टेडनेस के थ्रू ही जो है सोसाइटी को खुश रख सकती हैं सोसाइटी इवॉल्व कर सकती है सो so, यहाँ पर आपने देखा कि ये जो परस्पेक्टिव हैं यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी यही चीज बता रही है कि जब आप प्रमोशन करेंगे आप एजेंसी के पास जाएंगे गुड इकोनॉमी के लिए गुड इकोनॉमी होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अच्छा होगा और फिर आ, जो है ऑटोमेटिकली आपकी जो सोसाइटी है वो अच्छे से रन कर सकेगी सो so यहाँ पे कंक्लूजन यहाँ पे मैं इस तरह से कहना चाहूंगी कि इस पूरे लेक्चर में आपको चीज समझ आई होगी कि हर हर स्लाइड में सोशोलॉजी का कनेक्शन है बिजनेस के साथ अगर आप विदाउट नोइंग द सोसाइटी एंड द परसपेक्टिव ऑफ़ पीपल कोई काम शुरू कर देंगे तो यू डेफिनेटली फेल टू रन दैट बिजनेस इफ़ यूरस्टैंड द परस्पेक्टिवस्टैंड द सोसाइटी एंड कल्चर एंड वैल्यूज देन यूफिनेटली विन द सोसाइटी और आपका बिजनेस खुद ब खुद ही इवॉल्व होना शुरू हो जाएगा सो थैंक यू सो मच